आइए समझते हैं कि गूगल शीट को फोन में कैसे यूज करेंगे। तो आपको एक काम करना होगा, गूगल शीट को अगर आप फोन में यूज करना चाहते हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी याद होनी चाहिए, ईमेल आईडी का पासवर्ड याद होना चाहिए, उसी से आपको लॉग्ड इन होना है अपने फोन में, ठीक है। तो गूगल शीट को ओपन कर लीजिएगा। गूगल शीट को ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और टाइप करना है गूगल शीट्स। जैसे ही टाइप करते हैं तो ऊपर देखिए ये एक्सेल वाला है और नीचे आपको गूगल शीट मिल जाता है, बस इसको ओपन कर लीजिएगा। इस तरीके से ओपन करेंगे, गूगल शीट ओपन हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास पहले से जो मैंने काम किया है गूगल शीट पर इस ईमेल आईडी के थ्रू, वो यहाँ पे चीज़ें सेव हैं और वही चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए फॉर्मूला वगैरह लगाना बड़ा आसान है, तो यहाँ पर जा करके सीधे क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही यहाँ पर फिर इज इक्वल टू लगा लीजिए। फिर से लगा के दिखाता हूँ ये, और अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं। ये सम का फॉर्मूला लगाया हमने, ब्रैकेट को ओपन करा और यहाँ से अब जाना है, ये देखिए ये यहाँ से अब इसको ड्रैग कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। और एक और नीचे आना है एक स्टेप, तो ये आ गए। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट क्लोज हुआ और यहाँ देखिए बाहर कॉमा लग गया है, तो अब ये एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका टोटल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप फोन में भी गूगल शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।